नमस्कार दोस्तों, माई गणित्यालय में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बोगनविलिया को कटिंग से ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, एक बोगनविलिया की लंबी टहनी हम काट के ले गए हैं और इसके हम तीन चार कलम बनाएंगे। तो कटिंग पुरानी हो और मैच्योर हो, ऐसे ही लेनी चाहिए। तो और जिस कटर से या चाकू से आप कटिंग काट रहे हैं तो वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, यानी कि सैनिटाइज होना चाहिए। तो हमने ये कटर को सैनिटाइज किया हुआ है। इसकी हम ये चार पांच जितनी कटिंग बनेगी वो बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसकी चार कटिंग बनाई है और नीचे का हिस्सा हम थोड़ा थोड़ा छील लेते हैं। इस पे हम जो नेचुरल रूटिंग हार्मोन है, यानी कि एलोवेरा की जो लीव है, उसकी जेल लगाएंगे। तो हम चारों कटिंग को नीचे से थोड़ा थोड़ा छील लेते हैं। और कटिंग लगाने के लिए अब हम सोयल तैयार करेंगे। कटिंग लगाने के लिए बिल्कुल सिंपल सोयल यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कोकोपीट लिया है और रिवर सैंड लिया है, यानी जो कंट्रेक्शन में जो रेत काम आती है वो रेत हमने ये ली है। तो दो ही चीज़ है कटिंग में, फर्टिलाइजर वगैरह की जरूरत नहीं होती। आप सिंपल मिट्टी में या इस प्रकार रेत में या कोकोपीट में इसको लगा सकते हैं। कोकोपीट है, थोड़ा मॉइस्चर होल्ड करके रखेगा। जिस पॉट में आप लगाएं उसमें होल होने जरूरी है ताकि उसमें पानी रुके ना। तो हमने यहाँ पर एक ये प्लास्टिक की ट्रे है, इसमें देख रहे हैं आप होल काफ़ी होल है, इसमें हम लगाएंगे। तो थोड़ा होल को हम कवर कर देते हैं और फिर ये हमने जो सोयल तैयार की है वो इसके अंदर भर लेते हैं। और मिट्टी डालने के बाद अब हम इसमें कटिंग लगाएंगे। तो ये एलोवेरा की लीव है, ये नेचुरल रूटिंग हार्मोन का काम करेगी। अगर आपके पास है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सिंपल भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार उसके जेल में आप इसको नीचे का सा जो हमने छीला था उसमें इसके जेल को लगा लें और पॉट में थोड़ी सी जगह बनाकर कटिंग लगा देंगे। कटिंग को अच्छी तरह दबा देंगे साइड से ताकि वो हिले ना। तो इसी प्रकार हम सभी कटिंग को एलोवेरा लीव का जेल लगा के उसको लगा देंगे। कटिंग को लगाने के बाद इसे में हम वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग एक बार आप अच्छी तरह से कर दें, आपकी जो सोयल है नीचे तक गीली हो जाए। और वाटरिंग आप ध्यान से करें, या तो वाटर स्प्रे से करें या फिर बिल्कुल आराम से पानी दें, तब की कटिंग है हिली ना और सोयल है बिल्कुल ऐसे की ऐसी रहे। आप पानी दें तो कटिंग को भी गीला कर दें ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे। और अच्छी तरह पानी देने के बाद इसको शेड में रख देंगे। शेड में रखने के बाद देखते हैं कितने दिनों में इस पर लीव आना शुरू होती है। पानी शुरू में स्टार्टिंग में अच्छा दें और पानी का ध्यान रखें, जब आपकी मिट्टी ड्राई होने लगे तभी दें। अगर उसमें नमी है तो पानी देने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा पानी दोगे तो कटिंग खराब हो जाएगी, इसलिए पानी का ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग ना करें।
तो दोस्तों आप ये 25 दिन के बाद का रिजल्ट देख रहे हैं। हमारी यहाँ पर 3 कटिंग है, वो सक्सेसफुली ग्रो हो गई है और एक कटिंग पर अभी थोड़ी लीव आना शुरू हुई है, वो भी कुछ दिनों में ग्रो हो जाएगी। तो कुछ कटिंग है जल्दी ग्रो जाती है और कुछ थोड़ा समय ले लेती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी अच्छी यहाँ पर लीव आ गई है, देख रहे हैं ब्रांच भी बनना शुरू हो गई है। तो इस प्रकार आप बोगनविलिया की कटिंग है लगा सकते हैं, क्योंकि बोगनविलिया कटिंग से ही लगाया जाता है और कटिंग है बहुत इजी से लग जाती है। आप समय का ध्यान रखें, फरवरी मार्च में या बरसात के दिनों में ही कटिंग लगाएं तो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा।